हेलो एवरीवन, वेलकम टू R&R पाठशाला। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए GKGS विद करंट अफेयर्स 2021। हमारे साथ पेन कॉपी लेके बैठे हैं। हमारे आंसर बताने से पहले अपने आंसर बताइए, वीडियो के अंत में जरूर बताया कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई? 1947, 1951, 1961 या 1971? तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1951, दूसरा वाला। तो अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीक बुध, शनि, मंगल या शुक्र? तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बुध ग्रह, पहले वाला। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध किस नदी पर है? चमेरा बांध रावी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या सिंधु नदी? रावी, नर्मदा, कृष्णा या सिंधु? तो इसका सही उत्तर है रावी नदी, पहले वाला। चमेरा बांध रावी नदी पर है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सीमेंट उत्पादन में गुजरात, राजस्थान, बिहार या कर्नाटक? तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है राजस्थान, दूसरा वाला। राजस्थान सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य। अगला प्रश्न लेते हैं, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? ऑप्शन देख लीजिए, 4, 5, 6 या 7? 4, 5, 6 या 7? तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है 5, दूसरा वाला। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, सुंदरी, पुष्पक या कीर्तिमान? तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है अप्सरा, पहले वाला, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को स्थान मिला है? विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर या मनप्रीत सिंह? तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है विराट कोहली, 100 खिलाड़ियों की सूची में भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली है। अगला प्रश्न लेते हैं, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $25 लाख की ऋण सहायता के लिए सरकार के साथ समझौता किया है? किस राज्य में, ये बताना है, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु? तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है सिक्किम, पहले वाला। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नंदन बोरा किस क्षेत्र से जुड़े थे? साहित्य, फिल्म, खेल, विज्ञान? तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है साहित्य, लक्ष्मी नंदन बोरा साहित्य के क्षेत्र से जुड़े थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की SDG भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, जिसमें पहला स्थान मिला है बिहार, पंजाब, केरल या हरियाणा? तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है केरल, तीसरा वाला। चलिए अब बारी है आज के प्रश्न की। उससे पहले कल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। संजीवनी परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही उत्तर था हरियाणा। कई मित्रों ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, खेल, विज्ञान या साहित्य? अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और इसका आंसर अगला वीडियो आने तक जरूर दें। वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक करना न भूले। थैंक यू।